हेलो SOS लर्नर्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर ह्यूमैनिटीज का भी सिलेबस बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ कि आप हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का एग्जाम आने वाला है और कौन कौन बच्चा इसको क्वालिफाई कर पाएगा और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। आज आपके सभी क्वेश्चन के मैं आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ ह्यूमैनिटीज का सिलेबस 2025-26 के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है डॉक्टर BR अंबेडकर का ये एक डोमेन है विच इज ह्यूमैनिटीज। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं और अपने आप अपना गोल अचीव करते हैं। जैसे कि इसमें देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इस सबको ना बताते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रेड नाइन्थ के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, जो बच्चे क्लास नाइन्थ के लिए इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस विल बी इन टू राउंड्स, मतलब कि क्या होगा बेटा, दो राउंड्स में होगा जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा ना, इसमें वो होगा दो राउंड का। ठीक है, इसमें दो राउंड हो गए, जिसका पहला राउंड जो होगा ना, पहले राउंड का 70% वेटेज होगा, मतलब कि 70% नंबर आपको कहां से मिलेंगे, फर्स्ट राउंड से मिलेंगे। ठीक है, विच इज रिटन टेस्ट। ठीक है, और जो सेकंड राउंड होगा आपका 30% वेटेज उसका होगा, जो कि ग्रुप डिस्कशन होने वाला है आपका। ठीक है, ध्यान से देखना, पूरी देखना वीडियो को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, इसमें रिटन टेस्ट है आपका, ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की रहेगी। 3 घंटे तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया जाएगा और आपको एग्जाम फेस करना है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपके रॉन्ग आंसर्स के लिए। ठीक है, there will be negative marking for wrong marked wrongly। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी negative marking भी होने वाली है इसमें, तो exam को अच्छे से करना, ध्यान से पढ़ करके करना है आपको। ठीक है, अब देखो blueprint इसका क्या है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 8th level तक का आएगा, ये आपको पता है कि जो बच्चे 8वीं में हैं वो 9वीं में जाएंगे, वो इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अभी देखो राउंड वन का जो ब्लूप्रिंट है उसमें क्या है, सबसे इसमें है ना सेक्शन है, फिर सिलेबस है आपका, और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, फिर टोटल और टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन ए में आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज एबिलिटी एंड इंग्लिश। अब यहां देखो इंग्लिश एंड हिंदी, अब इसमें क्या है, रीड कॉम्प्रीहेंड, मतलब कि कॉम्प्रीहेंसिव आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आपकी ग्रामर आएगी, इंग्लिश आएगी, सिंपल सिंपल सी भाषा में आपके लिए इंग्लिश आएगी। इसमें आपको इंग्लिश भी करनी है और अनसीन पैसेज भी होते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट्स लाइक ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग है ना, और कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको ग्रामर तैयार करनी है। जैसे कि आपकी ग्रामर हो जाएगी, उसमें आप कह सकते हो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो इंग्लिश का सेक्शन रहेगा इसमें। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज, और इसमें 15 क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए, 15 क्वेश्चंस बनेंगे जो MCQ टाइप होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए यहां पर देखो, लॉजिकल रीजनिंग के मैंने है ना ऑलरेडी टॉपिक स्टेम वाले में मैं बता चुका हूं उसमें कौन कौन से टॉपिक है, एक बार उस वाली वीडियो को देख लेना, उसमें मैं बता रखे हैं मैंने लॉजिकल रीजनिंग के आपके कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जो है थिंकिंग लॉजिकली और थ्रू नंबर्स, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन नंबर्स और सीरीज है ना, हिडन, और मतलब इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैंने स्टेम में रीजनिंग आने वाली है इसी में वही रीजनिंग आएगी। ठीक है, उसके मैं टॉपिक्स आपको बता देता हूं ऐसे ही। देखो एक तो ऑड वन आउट हो जाएगा आपका, पजल हो जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, और आपका डाइस हो जाएगा, ये सब मतलब एक्सेट्रा काफी सारे टॉपिक्स हैं। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग में आपको वोकैबुलरी आएगी, रीजनिंग साइन शेप्स के रिलेटेड आएगी, और आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाइंग लॉजिकल बेस्ड, चेंजिंग पैटर्न्स, ये सब आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और आप देख सकते हो इसी में ही मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। मैं अभी इसमें दिखाता हूँ आपको, ये लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये रे मेंटल एबिलिटी है ना, ये तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, बोल नहीं रहा मैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी,
ये सभी टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं और इनकी तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं अपने उसी वाले पेज पर। तो देखिए यहां पर आपको सिंपली सेक्शन सी में क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन है आपका, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेटा, नंबर टू ऑर्गेनाइज डेटा एज पर रिक्वायरमेंट, इंटरप्रिटिंग डेटा टू गेट द मीनिंगफुल कंक्लूजन, ठीक है। आपको ये मतलब कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसे मीन, मीडियन, मोड, मतलब डेटा दे दिया जाएगा आपको, बॉक्स बना दिया जाएगा, उसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसमें से डेटा बताना है। मीन, मीडियन, मोड आपने सीखा होगा, ठीक है, आठवीं में, तो उसके बारे में बताना है आपको। और लॉजिकल रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड, और यहाँ पर भी आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आ जाता है बाद में आपके लिए डोमेन नॉलेज और क्वेश्चंस। डोमेन नॉलेज और क्वेश्चंस मतलब आपको इसमें देखो सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता देता हूँ, डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जो आप स्टेम नहीं ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमैनिटीज के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आप ह्यूमैनिटीज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इस टाइप से, है ना। और देखो लॉ, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, डोमेन नॉलेज, लॉ, जस्टिस, और व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, रिसोर्सेज, व्हेन पीपल रिबेल, 1857 से 1947 तक, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि आपको अपनी एसएसटी की पूरी बुक खत्म करनी है, जो आपकी आठवीं की है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जो इसका सेकंड राउंड होने वाला है ना, ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट, ओनली ये वाली लाइन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट फ्रॉम राउंड वन विल बी इन्वाइटेड टू अपियर इन राउंड टू, मतलब कि यहां बोला गया है जो फर्स्ट राउंड को क्लियर करेंगे वही सेकंड राउंड में भी आएंगे, वरना तो अगर फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में उनको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड राउंड में क्या है, आपका 15 से 20 मिनट ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। आपका 15 से 20 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होगा, और क्या 8 स्टूडेंट्स पर डिस्कशन, और एक डिस्कशन में 8 स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। ईच स्टूडेंट विल रिसीव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन ओपनिंग स्टेटमेंट, मिनिमम 4 to 5 minutes, ठीक है। अब क्या एंड अ क्लोजिंग स्टेटमेंट, वो भी 4 से 5 मिनट का होगा आपका, और ऑन द टॉपिक प्रोवाइडेड, मतलब कि आपको क्या 4 से 5 मिनट दिए जाएंगे, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा उसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और देखो यहाँ देखा द रिमेनिंग 7 to 12 minutes विल बी एन ओपन डिस्कशन, मतलब कि आपका एक ओपन डिस्कशन होगा, मतलब एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपके साथ, काफी सारे 8 बच्चे बिठा दिए जाएंगे जिसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा उस टॉपिक को, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या, टॉपिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन टू बी लाइक टू कंटेम्प्रेरी इशू सच, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं आपके। देखो जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इन पे सब पे मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए, है ना। क्लाइमेट चेंज हो गया, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ऑड इवन रूल, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब इन सब पर आपके टॉपिक्स बनेंगे, जो कि आपको इनसे रिलेटेड, मतलब कि जो आपका नॉर्मल डेली बेसिस या करंट टॉपिक होगा ना, वहां पर आपको एक डिस्कशन के लिए दे दिया जाएगा, और आप अच्छे से उसको बोलना है आपको। अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलना है, अगर आपको अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। वहां पर आपको बता दिया जाएगा आपको कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, उसमें आप बोलेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है सब बच्चे इंग्लिश में ही बोलेंगे, अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो दैट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। बाकी आप हिंदी में भी बोल सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ह्यूमैनिटीज का मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया है कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। 1, 2, 3, 4 सेक्शंस होंगे, चारों सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना। अपनी एसएसटी बुक को तो एकदम पूरा का पूरा घोल के पी जाना उसको, अब ऐसा मत करना पानी में घोला और पी गए, ठीक है। मतलब उसको अच्छे से पढ़नी है आपको, आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तभी आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होगा। और फर्स्ट राउंड क्लियर होते ही आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सेकेंड राउंड में एंटर करने की, ठीक है। फर्स्ट राउंड तो बहुत सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड बच्चे नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो उसकी भी तैयारी लगातार करते रहना है आपको। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग का सख्त ध्यान रखना,
क्योंकि बच्चे कई तो जानते ही नहीं नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। मैं बता देता हूँ आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। जैसे मान लो आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो और सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो -1 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आई होप कि आपको ये वाला सेशन वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।